दोस्तों ये वीडियो आप मिस नहीं करना। और ये है रक्षा मंत्री जी जवानों के बीच पहुंचे बड़े खाने में, और उन्होंने बताया मैं आज दिमाग से नहीं बोलूंगा, पढ़ा हुआ भाषण नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं आज दिल की बात करूंगा। उन्होंने कहा एक बात बताओ, जब हम आते हैं तो फॉर्मली हम किसी को कुछ पूछते हैं तो यस सर बोलते हो, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, क्योंकि हमें पता है कि आप एक अनुशासित फोर्स हो और यह सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए। जहां तक इंडियन नेवी का प्रश्न है, और आपको इस तरह की शायद इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रखना। और लेकिन आज मैं अपने दिल से सोच रहा हूं, ना पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा भाषण बोलूंगा, क्योंकि मुझे बोला गया था, यानी उन्होंने बोला कि नेवी चीफ साहब ने बोला कि एक प्रोटोकॉल के अंदर प्रोग्राम करना है। हमने कहा नहीं, मैं जवानों से मिलूंगा, सेलर से मिलूंगा, उनके साथ बड़ा खाना मैं बैठूंगा, उनकी शेर शायरी सुनूंगा, उनका मनोरंजन भी सुनूंगा और उनके साथ खाना भी खाऊंगा। ठंडा होगा वो खाऊंगा, गर्म होगा वो खाऊंगा। आज एक आत्मीयता से, यानी जैसे दिल की बात है, उन्होंने जो कि बड़े खाने में कही है, उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ उस तरीके का और डेकोरम नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी बातें कहिए, आप बोलिए, आप बहुत बड़ा त्याग करते हैं, आप बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारी समस्याएं उनको आप अपने अंदर रखते हो, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। मैं मानता हूं कि हम आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, और ये हमारी सरकार का लक्ष्य, और मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि जो भी आपकी जरूरत है उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे वो आपकी पर्सनल जरूरत है, चाहे आपकी सेना संबंधी जरूरत है। हो सकता है कि आपकी और जो आपकी डिजायर है, इच्छाएं, उनको न पूरा कर पाऊं। और उन्होंने कहा है कि सेना में मैंने एक चीज देखी, कुछ जवान होते हैं इस तरीके से कैलिबर होता है कि इस तरह शेर शायरी करते हैं, इस तरह अपने बक्का के रूप में बोलते हैं, इस तरह पोएम बोलते हो, इस तरह आप मिमिक्री करते हो, जैसे कि आप हर चीज को आप सजो के रखा हुआ है कि जैसा मौका मिलता है किस तरह डोमिनेट करना है, आपने सामने दुश्मन है तो किस तरह आपने पेश आना है, और समाज में जाना है तो किस तरह पेश आना, ये आपकी ट्रेनिंग है, अद्भुत है, अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके बीच आऊं। उन्होंने बड़े नॉर्मल शब्दों में कहा कि भैया आपका खाना ठंडा हो रहा होगा, भैया मैं ज्यादा भाषण नहीं बोलूंगा और न ही मैं लिखा हुआ भाषण बोल रहा हूँ, मैं आज अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। आज मैं सेना के अधिकारियों से ज्यादा जो सेलर बैठे, यानी नेवी का कोई बड़ा खाना था, उन्होंने कहा है चाहे आर्मी का भी बड़ा खाना मैंने खाया है, एयरफोर्स के साथ रहा हूँ, जवानों के साथ रहा हूँ, आज देश के अंदर हमारी सेना का डंका बजता है और सेना की ताकत बड़ी है तो देश की भी ताकत बड़ी है। इस वीडियो को आपने, ये 5 मिनट का वीडियो पूरा पूरा देखना, आपको लगेगा कि यानी हमारे रक्षा मंत्री जी, उनके दिल में कुछ है, वो समझ रहे हैं कि कुछ है जो जवानों को चाहिए, लेकिन सामने बोल नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी झलक रही है। और नहीं तो आप जरूर इस पर कमेंट्स करना। धन्यवाद। और अन्य हमारे नेवल वैरियर्स, चाहे नेवी का कार्यक्रम हो, एयरफोर्स का हो अथवा आर्मी का हो, जब कभी इन कार्यक्रमों में मैं जाता हूं तो इन कार्यक्रमों में बड़ा खाना का भी आयोजन होता है प्रायः, और बड़े खाने के आयोजन पर वहां के जो हमारे अन्य अफसर होते हैं, हमारे वैरियर्स होते हैं, इन सब सारे लोगों से भी मिलने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। और मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ा कर यह बात नहीं कह रहा हूं, जो कार्यक्रम होता है उसकी एक अनुभूति तो होती है, उसका भी एक अपना एक्सपीरियंस है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जो आनंद की अनुभूति हमें अपने वैरियर से, अपने जवानों से मिलकर होती है, उसकी मैं शब्दों में बयान यहां नहीं कर सकता। और इसलिए मेरा आग्रह भी रहता है कि मैं जा रहा हूं तो मैं अपने अफसर से मिलूं, अपने सेनर से मिलूं। मैं जानता हूं कि चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बहुत ही हमारी डिसिप्लिन फोर्स है, और कई बार तो मैं बात करने के लिए जाता हूं, मैं पूछता हूं क्या हाल है, 10 लोग खड़े हैं, कुछ नहीं, सर कुछ भी सवाल करें, सर यस सर यस सर यस सर, यही जवाब मिलता है। इस प्रकार की डिसिप्लिन हमारे वैरियर्स के अंदर, लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैं ये आवश्यक समझता हूं कि डिसिप्लिन तो होनी चाहिए,
लेकिन चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे नेवी चीफ हो, चाहे अन्य ऑफिसर हो, चाहे परस्पर हमारे नेवल वैरियर्स हो, इन सबके बीच एक आत्मीयता का रिश्ता भी होना चाहिए। और आत्मीयता का रिश्ता केवल इस डिसिप्लिन से नहीं लाया जा सकता। आत्मीयता का रिश्ता समय निकालकर हमारे अधिकारियों को, जवानों को, रक्षा मंत्री को, और आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर वो बराबर सीमा पर जाते हैं, जवानों से सीधा वह संवाद करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन उनका साथ होता है। एयरफोर्स के अफसर से मिलते हैं, हमारे नेवी के अफसर से मिलते हैं। मैं समझता हूं इनफॉर्मली मिलने का एक बहुत ही महत्व होता है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आत्मविश्वास। और जिस प्रकार के कुछ करिश्माई काम इधर हमारे इंडियन नेवी ने किए हैं, उसके लिए मैं नेवल चीफ सहित जितने भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे सारे वैरियर्स हैं, मैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। शायद आप लोगों को इसका अनुमान नहीं होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अब हमारे इंडियन नेवी को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाता है और इसके संबंध में चर्चा भी होती है। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसकी क्रेडिट और किसी को नहीं जाती, क्रेडिट इसकी जाती है तो आप सबको ही इसकी क्रेडिट जाती है। और आज हमारे जो भी फोर्सेस हैं तीनों, उनके लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं, सरकार बराबर उसको पूरा करने के लिए भी तत्पर रहती है। चाहे कितनी भी रिच कंट्री क्यों न हो, जितनी डिमांड होती है, डिमांड नहीं कहूंगा बल्कि जितनी आवश्यकता होती है वहां की फोर्स के लिए, 100% पूरा करना किसी के लिए चाहे कितनी भी रिच कंट्री क्यों न हो, कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है। लेकिन थोड़ी कमी भी रह जाए, सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरीके से आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, उसकी मैं अपनी तरफ से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और पुनः आप सभी का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। आपने ये नहीं सोचा कि यह फला चीज कम हो गई है, यह और हो गया होता, ज्यादा क्या होता। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसी भी डिमांड्स होती हैं, यदि इस समय से भी वह पूरी हो जाए तो हमारी यह फोर्स और कंपेरेटिवली अपेक्षाकृत और बेहतर कर सकती है, तो मैं जानता हूं। फिर भी जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसके द्वारा आप बराबर काम करते जा रहे हैं और इसमें आपका भी योगदान है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जहां समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न जो प्रोफेशंस में लगे हुए लोग अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, वहीं पर आप लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। आपके घर का कोई व्यक्ति या आपको आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति विदेशों में पहले जाता रहा हो और विदेशों में जिस प्रकार का रिस्पांस उसे मिलना चाहिए था, और आज यदि वह विदेशों में जाता है तो विदेशियों के द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा जिस प्रकार का रिस्पांस आज मिलता है, मैं कह सकता हूं कि हम सभी भारतवासियों का सीना चौड़ा होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को कितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसमें आप सबका भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा योगदान। अब कल जिस शिप की कमिश्निंग के लिए मैं यहां पर आया हूं, हमसे आपके नेवी चीफ ने कहा क्या ऐसा ऐसा है और उसका रोल बस बताया हाइड्रोग्राफी का किस किस तरीके का है, तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से मैं चलूंगा। तो केवल इसकी कमिश्निंग में आना
यह हमारी इच्छा नहीं थी। कमिश्नरी राह पे कोई भी कर लेता कोई प्रॉब्लम नहीं। लोभ हमारा वैसे इतना ही था, यदि मैं चलूंगा तुम्हारे नेवल वैरियप के साथ मुझे सीधा संवाद करने का अवसर मिलेगा, इसलिए मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आया हूं। और आप सबसे मिलकर सच में मुझे बेहद खुशी हुई। भाषण तो बहुत लिखा हुआ है तो मैंने सोचा कि बस ऐसे ही कुछ बोल दूं। और इस समय भोजन का समय हो गया है इसलिए बहुत लंबा भाषण भी नहीं होना चाहिए। और अभी कौन बोल रहे थे हमारे बीच, क्या नाम था? सुनील कुमार ने तो खूब सुनाया आपने, शेरो शायरी भी सुना दी। अच्छा बोले सुनील कुमार। अब देखिए हमारे एरिया में ऐसा नहीं है कि लड़ने वाले हैं जूझने वाले हैं, अब तो बहुत सारे टेक्निकल काम करने वाले उनके एक्सपर्ट यह सब सारे लोग बड़े आईक्यू के लोग हैं। हमारे वेरियस में अच्छे अच्छे वक्ता भी हैं, ओरेटर भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। तो इससे बड़े गौरव का विषय हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। क्वालिटी फोर्स जिसे बोलते हैं वह क्वालिटी फोर्स हमारी भारत की है, हमारे सेना के, एयरफोर्स के, नेवी के हमारे जवान जो है, ये हमारी क्वालिटी फोर्स।